हेलो। चलिए तो आप लोग फटाफट हमारे साथ जुड़ जाएं, है ना। आवाज आवाज जा रहा है ना। हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर अच्छा एजुकेशनल ग्रुप। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए तो हम लोग आपका इंतजार का घड़ी समाप्त हुआ और बहुत सारे बच्चे गजब का रिजल्ट करके आए हैं और वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ ये बताएं कि सर 35 में 35 कंफर्म सही होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए फटाफट दोस्तों के बीच आप लोग लिंक के शेयर कर दें। अब हम लोग आंसर की पर चलते हैं और आपका सभी आंसर की बिल्कुल सही होगा और इसलिए फटाफट अपना आंसर की को आप देखेंगे, है ना, कि हमें कितना परफेक्ट सही हो पाया है। देखिए अब आपका साइंस का लास्ट एग्जाम था और लास्ट एग्जाम बायो का ही था और बायो शानदार आप लोगों को गया होगा, हमें पूर्ण विश्वास है जी, है कि नहीं। जो बच्चे लाइव क्लास अगर कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे होंगे उनका जो है बिल्कुल सही होना चाहिए सभी का सभी प्रश्न। और जो बच्चे सही कर, कितने बच्चे कॉल भी किए कि सर कन्फर्म 35 में 35 मार्क क्या है, और आशा करते हैं कि आप भी सही किए होंगे। तो चलिए फटाफट हमारे साथ प्रश्न की ओर चलते हैं कि आपका क्या प्रश्न है, जरा देख लें। प्रश्न जरा देख लेते हैं हम लोग। चलिए तो प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखो कितना शानदार प्रश्न पूछता है, एकदम इजी प्रश्न, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको प्रश्न में और आप आराम से प्रश्न बना सकते। ठीक है, ठीक हो गया। चलिए तो आप लोग फटाफट हमारे साथ बने और फटाफट अपने दोस्तों के बीच लिंक को भी शेयर कर देंगे और फटाफट हम लोग आंसर की को जरा देख लेंगे, है ना। कौन सा बच्चा कितना सही कर पाए हैं इसको जरा देखेंगे बढ़िया से, है ना। चलिए तो फटाफट अपने दोस्तों के बीच लिंक को आप लोग शेयर कर देंगे। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन का स्टार्टिंग हम लोग कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा आपका आंसर। कहता है कि निम्न में चलिए ध्यान दो, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है। निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है ना। तो ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही होना चाहिए, वेरी गुड। देखिए काफी शानदार अंदाज में बच्चे जुड़ रहे हैं और बच्चे को लिंक को शेयर कर दें जिसको अगर ऑब्जेक्टिव का आंसर की मिलाना है, बिल्कुल उनको दोस्तों के बीच लिंक को आप शेयर करें और फटाफट हम लोग देख पाएंगे उसमें, है ना। चलिए जल्दी से दोस्तों के बीच लिंक को आप लोग शेयर कर दें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभ उठा सके, है ना। चलिए तो आपका बिल्कुल इजी और आसान प्रश्न था, जो बच्चे क्लास रेगुलर किए थे यानी 100% अगर माना जाए तो 100% क्वेश्चन आपके क्लासरूम के नोट से ही था। और बता जो बच्चे क्लास रेगुलर किए होंगे या मॉडल सेट हमारे साथ अगर प्रैक्टिस में थे तो सभी का प्रश्न आपका सही हो जाना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत की बात नहीं है। आशा करते हैं जिस उम्मीद से आप आज बना के आए होंगे आपका रिजल्ट भी उतना ही बेटर होगा, है कि नहीं। ध्यान दो, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है। पहला है निष्कांड, एंटीपोडल सेल, सहायक कोशिका की द्वितीय केंद्रक। ये आपका सही आंसर डी होगा, जो बच्चे डी किए थे उसका जवाब बिल्कुल करेक्ट है ना, डी आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे यानी क्वेश्चन नंबर 2 को जरा देखा जाए। 2 को आप बढ़िया से देखिए, कितना आसान प्रश्न दिया है जी 2 नंबर में।
टू नंबर देखिए प्रश्न, जरा टू नंबर प्रश्न को आप बढ़िया से देखेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन को प्रभाव से दबा देता है तो हम उस घटना को क्या बोलते, तो प्रभावता आप लोग जानते होंगे। बताओ ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले तीन क्षार को संदेश वाहक आरएनए को कोडॉन जोड़ता है, उसे हम लोग कौन कोडॉन बोलेंगे, एंटी कोडॉन। ये आपका एंटी कोडॉन हो जाएगा, है ना। ये सब क्वेश्चन आपका बिल्कुल पढ़ाया गया प्रश्न है और ये सब आप आशा करे होंगे सही किए होंगे आप लोग। चले नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि बुचेरिया बैनक्रॉप्टी आदमी में फलेरिया रोग पैदा करता है, यह समूह क्या है। बिल्कुल मॉडल सेट का प्रश्न है, सब मॉडल सेट में आप लोग आया होगा कि पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा जीवाणु, तीसरा विषाणु, है ना, और चौथा हेलमिंथस। तो आपका सही जवाब जो होगा वह हेलमिंथस होगा। चलिए नेक्स्ट पांचवा नंबर को देख लेते हैं। अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा भाग संक्रमित होता है, तो आपका आंसर यकृत हो जाएगा। इसमें जो बच्चे यकृत किए थे उसका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स को जरा बढ़िया से देखेंगे। कह रहे हैं कि मेंडल के नियम का अपवाद है, यानी अपवाद के बारे में किसके बारे में मेंडल ने नहीं बताया था, तो आप बिल्कुल मेंडल ने जो था वह सलग्नता के बारे में नहीं बताया था, यह मेंडल का अपवाद है। मेंडल ने सलग्नता के बारे में नहीं बताया था। सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए कितना हल्का है। कह रहा है कि निम्न में कौन यौन संचारित रोग है, टाइफाइड तो कहियो नहीं होगा, मलेरिया भी नहीं, हैजा भी नहीं, बच गया कोजी, सिफिलिस। यानी सिफिलिस जो बच्चे किए थे उसका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, है ना। सिफिलिस आपका जवाब बिल्कुल सही है, जो बच्चे सिफिलिस किए हैं उसका जवाब बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। चलिए एट नंबर क्वेश्चन, एट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। यानी कहा जाता है कि आरएनए में पायरिमिडीन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है रे, तो आरएनए में पायरिमिडीन में पाया जाता है साइटोसिन और यूरेसिल। साइटोसिन और यूरेसिल यानी इसका सही जवाब सी हो जाएगा, जो बच्चे सी किए होंगे उसका जवाब सही है। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है, डिप्थेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए, प्यूटिसिस के लिए, कि टेटनस के लिए, तो इसका उपयोग बहुआ टाइफाइड के लिए नहीं होता है, जो बच्चे टाइफाइड किए थे उसका जवाब करेक्ट है, है ना। चलते हैं नेक्स्ट, नाइन नंबर, नाइन नंबर हो गया ना। टेन नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जरा ध्यान दो। कहता है देखो बढ़िया से समझना, इस सब मॉडल सेट में हम पढ़ाए आपको। कहता है निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सा गैस ग्रीन हाउस नहीं है, तो बताओ मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं होगा, तो ए भी आपका होगा, ए भी आपका आंसर नहीं है, ए भी आपका आंसर नहीं है, ए भी आपका आंसर नहीं है। आंसर करेक्ट आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन, कहता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है चिड़िया के लिए, गैंडा के लिए, बाघ के लिए, कि घड़ियाल के लिए, तो आपका आंसर बाघ हो जाएगा, बाघ के लिए प्रसिद्ध है ना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जरा 12 नंबर आप देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है, घास गेहूं खाएगा कहीं, ओ ये गलत, बताओ बकरी गाय बकरी को नहीं खा सकता, ये भी गलत, बताओ घास मछली खाएगा और बकरी मछली से खिला रहा है, ये भी गलत, लेकिन बताओ सी नंबर को जरा देखो बढ़िया से ध्यान से। कह रहा है घास को बकरी खा सकता है सर, और बकरी को शेर भी खा सकता है, यानी जो बच्चे सी सही किए थे उसका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए, है ना। चलिए तो आप ध्यान दो, न्यूक्लियोसाइड होता है शुगर प्लस नाइट्रोजन युक्त बेस, यानी जो बच्चे का जवाब ए था बिल्कुल करेक्ट, यानी 13 का ए जवाब बिल्कुल आपका सही होगा, जो बच्चे ए किए थे बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब है। कोई भी सेट हो आप आराम से बना सकते हो। कोई भी सेट हो आप आराम से बना सकते हैं, क्वेश्चन को मिलाते जाइएगा आपसे बनेगा। देखिए कितना शानदार प्रश्न आया आपको, ये क्वेश्चन बिल्कुल सभी स्टूडेंट को सही हो जाना चाहिए था कि गैमिट के निर्माण को कहते हैं गैमिटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, की स्पोरोजेनेसिस, की इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा गैमिटोजेनेसिस, यानी गैमिट के निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं जी, गैमिटोजेनेसिस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, बायोगैस में होता है, बायोगैस में CO2 भी होता है रे, अब बताओ H2 भी होता है
और CH4 भी होता है जिसका जवाब इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। बायोगैस में इनमें से सभी इसका जवाब करेक्ट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में संपन्न होता है। जो बच्चे हमारे साथ क्लास में पढ़ रहे थे, हम जो टेस्ट लिए थे उसमें भी प्रश्न था कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। इसका सही जवाब पैकेटिन हो जाएगा, पैकेटिन, है ना। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, PCR से किसकी जांच होती है, यानी PCR से कैंसर की जांच हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिका में पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग की सेमा क्लोनल की टोटिपोटेंसी की इनमें से सभी, तो आप आराम से बता सकते हो। जब हम टोटिपोटेंसी आपको बता रहे थे तो वहां पे बताए थे कि जब एक कोशिका से पौधा का विकास हो जाता है उसे हम लोग टोटिपोटेंसी कहते हैं, यानी जो बच्चा टोटिपोटेंसी किया था उसका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है देखिए ये भी क्वेश्चन हम बार बार आपसे रिपीट कर रहे थे कि बहुआ इस सब क्वेश्चन पर ध्यान देना, आने का संभावना है। यानी आवृत बीजी पौधा में भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है, एन होगा कि 2N होगा कि 3N होगा कि ए और सी दोनों होगा। इसका जवाब आपका 3N होगा दोस्त, इसका जवाब कौन एन होगा, 3N। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20 को जरा देखेंगे। देखिए आप लोग बनाए होंगे शानदार, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कहता है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहा जाता है, यानी बताओ। इसको हम लोग अलैंगिक जनन कहेंगे, क्योंकि अलैंगिक जनन में एक जनकीय होता है, तो इसको हम लोग अलैंगिक जनन ही कहेंगे, है कि नहीं। चले नेक्स्ट देखो जी, 21 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार है रे। कह रहे मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। ये सब क्वेश्चन देखते हैं, आपको चुटकी में बन जाना चाहिए था। 21 होगा कि 23 होगा कि 44 कि 46। युग्मक की बात कर रहा है दोस्त, तो मनुष्य में गुणसूत्र 46 होता है, तो युग्मक जब भी होगा तो हेप्लोइड होगा, यानी युग्मक में कितने गुणसूत्र होंगे, 23। तो मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितना होगा, 23 होगा। जो बच्चे 23 किए थे उसका जवाब बिल्कुल सही था। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न, यानी 21 हो गया, 22 को जरा आप देखेंगे। चलिए 22 को जरा देखिए, 22 क्या कहता है जरा देखो। कहता है किस फल में बीज चोल खाया जाता है, जायफल, लीची कि शरीफा कि इनमें से सभी, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा बीज चोल खाया जाता है बउआ शरीफा, लीची का। किसका खाएंगे रे, लीची का बीज चोल खाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, देखते हैं बढ़ नहीं रहा है। लीची तक हम लोग कर लिए थे ना, चलिए अब हो गया ठीक। ध्यान दो इसको यहां पे, कहता है SO2 प्रदूषक है। SO2 किसका प्रदूषक है जरा ध्यान दो। SO2 जो प्रदूषक है वो लाइकेन का प्रदूषक है। जो बच्चे लाइकेन किए होंगे उसका जवाब बिल्कुल सही होगा। SO2 किसका प्रदूषक है, तो आपका आंसर हो जाएगा लाइकेन। क्या हो जाएगा रे, लाइकेन, है ना। चलिए एकदम शानदार अंदाज में आप लोग बना के आज आए होंगे, इसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि आप काफी सुंदर से बनाए होंगे आज एग्जाम में। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है,
करें कि शहद का निर्माण कौन करती है? बताओ नर मधुमक्खी की रानी मधुमक्खी की कार्यकर्ता की ए और बी दोनों। तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्त, यानी बताओ शहद लाने का काम कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है। इसमें ए, इसमें वर्कर हो जाएगा है ना, देखो वर्कर हॉनी बी जो होगा वह शहद लाने का काम करता है ना। चलिए तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन भी दिख रहा है उसको भी कर ले। कथा निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों से होती है? हैजा, अस्मट, ए और बी दोनों की रानी खेत। इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा, रानी खेत होगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जरा ध्यान से समझेंगे। 26 कह रहा है कि इडली एवं ढोसा, देखिए भी आपका मॉडल सेट में कराया गया प्रश्न है। इडली एवं ढोसा आटा के किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनता है? जीवाणु, लैक्टोबैसिलस, विषाणु की ईस्ट। तो आपका आंसर इसमें बहुआ ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट के उपयोग से बनता है ना। बता एग्रोस जेल एगारोज किससे प्राप्त होता है? इसका सही जवाब आपको होना चाहिए था समुद्री घास। जो बच्चे समुद्री घास मार के आए हैं बिल्कुल उसका जवाब सही है कि नहीं, इसका सही जवाब समुद्री घास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखो कितना शानदार, ये भी आपका पढ़ाया गया प्रश्न है कि ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? जैकोब तथा मनोड ने। जैकोब तथा मनोड के द्वारा ओपेरॉन मॉडल को प्रस्तावित किया गया था। चलिए तो आपका काफी अच्छा आंसर हुआ भी होगा है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है? ड्रोसेरा और निपेंथिस। इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए और बी दोनों है ना। कहता है निम्न में, ये सब देखने की बात है यार, केचुआ को टिकट करना चाहिए था आप लोग को है ना। 30 नंबर क्वेश्चन भी आपका सही हो गया। 31 जरा देखेंगे। 31 क्या कह रहा है कि कोरोला निम्न में से क्या है? तो आपका सवाल हो जाएगा, सवाल जो बच्चे किए थे उसका जवाब बिल्कुल सही है, सवाल कंफर्म होगा। यानी 32 नंबर क्वेश्चन को आप देखें, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा बढ़िया से देखो। कहता है कि क्राइजिन वाल क्रीमी किस फसल को बचाता है? तो आपका आंसर कपास हो जाएगा, कपास एकदम बिल्कुल करेक्ट, जो बच्चे कपास किए थे उसका जवाब बिल्कुल सही है ना। तो 33 भी आपको दिख ही रहा है कि निम्न में डीएनए में कौन प्यूरिन होता है? तो बताओ साइटोसिन तथा थायमिन की एडेनिन तथा साइटोसिन केडेनिन और गुआनिन की, बताओ इनमें से कोई नहीं। तो आपका निम्न में से डीएनए में कौन प्यूरिन होता है? प्यूरिन में क्या होता है? तो एडेनिन और साइटोसिन होता है। एडेनिन और कौन सीन होता है? साइटोसिन होता है बच्चा, ये जो किया उसका जवाब बिल्कुल सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैंसर किस कारण से होता है? ये भी क्वेश्चन आपको हम करवाए थे, कैंसर किस कारण से होता है? तो ऑन्कोजिन्स, जो बच्चे ऑन्कोजिन्स किए थे उसका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, ऑन्कोजिन्स हो जाएगा। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? अलैंगिक जनन की लैंगिक जनन के और भी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अलैंगिक जनन होगा, कौन होगा? अलैंगिक जनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 जरा देखो रे। कहता है कि बताओ ओपेरॉन मॉडल प्रदर्शित करता है जीन रेगुलेशन की जीन एक्सप्रेशन की जीन का फंक्शन की जीन का संश्लेषण? तो आपका हो जाएगा जीन एक्सप्रेशन, जो बच्चे बी किए थे उसका जवाब बिल्कुल सही है, बी उसका जवाब सही है, बीना वर्मा का बी था, बहुत अच्छा। चलिए 37 नंबर देखेंगे। निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? ये में सोचने वाली बात है, सेब आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा रे, सेब आपका करेक्ट आंसर होगा है ना। 37 का सेब हो जाएगा आपका है ना, सेब आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 की ओर चल रहे हैं। कहता है 38 में क्या, जरा सुनेंगे। 38 कह रहा है कि डीएनए निम्न में से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? तो आपका आंसर बैक्टीरियोफेज हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज, जो बच्चे बी किए थे उसका जवाब बिल्कुल करेक्ट,
यानी बताओ 38 का सही जवाब आपका हो जाएगा बैक्टीरियोफेज। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला ऊर्जा का प्रवाह होता है एक ही दिशा में, बिल्कुल सही। जो बच्चे एक ही दिशा कर रहे हैं उसका जवाब बिल्कुल क्या है, सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन आपको कर लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान देना, 40 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्न में से कौन जैविक खाद नहीं है। जैविक खाद नहीं है बताना है रे, निम्न में से कौन जैविक खाद नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा बैसलर्स थ्योरी जेनेसिस। बैसलर्स थ्योरी जेनेसिस यानी इसका जवाब बी होना चाहिए। इसका जवाब क्या होना चाहिए, बी है ना। चलिए बहुत सुंदर, नेक्स्ट देखते हैं 41। कहता है क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो हवा के द्वारा। किसके द्वारा होगा, हवा द्वारा। नेक्स्ट नंबर चलते हैं 42, क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 42 को जरा आप देखेंगे, कहता है जैविक रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्पाद। क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। ध्यान दो रे, ऋतु स्राव चक्र किस में होता है, मनुष्य में भी होगा, बंदर में भी होता है, चिंपैंजी में भी होता है। इसका जवाब आपका डी होना चाहिए, इनमें से सभी है ना। इसका जवाब आपका क्या होना चाहिए, डी। बता ऋतु स्राव चक्र किस में होता है, तो इनमें से सभी में होगा, यानी मनुष्य में भी ऋतु स्राव होता है, बंदर में भी होता है, चिंपैंजी में भी होता है, इनमें से सभी आपका जवाब हो जाएगा। यानी 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 44 नंबर क्वेश्चन दम बिल्कुल आसान है। कह रहा है क्या कि द्विखंडन किस में पाया जाता है, द्विखंडन किस में पाया जाता है, अमीबा में, पैरामीशियम में, कि दोनों में। तो दोनों आपका आंसर हो जाएगा द्विखंडन में, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। मतलब डीएनए अणु का साइटोसिन 18%, तो एडेनिन का प्रतिशत मात्रा हो जाएगा इसमें 32 है ना। चलिए तो 46 की ओर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 को जरा बढ़िया से देखिए आप लोग। कहता है विडाल परीक्षण की पुष्टि किया जाता है, कितने बार आपको क्लासरूम में बताया गया था कि विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए। किसके लिए करेंगे, टाइफाइड के लिए किया जाता है। एचआईवी निम्न में से किस कोशिका को नष्ट करता है, टी कोशिका, यानी बताया इसमें टी सहायक कोशिका जो होता है वह नष्ट हो जाता है ना। 47 का जवाब बी हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्यान दो 48 क्या कहता है रे। 48 में कहेगा ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिजिता अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं एलर्जन, टीका, एंटीबॉडी की एंटीजेन, तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा एंटीजेन। एंटीजेन आपका इसका सही जवाब हो जाएगा है ना। इसका सही जवाब आपका डी होना चाहिए है ना। चलिए वीना वर्मा का डी भी है, बहुत अच्छा। आप बढ़िया से बनाए भी होंगे है ना। अब बताओ 49 नंबर देखते हैं। एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन हिस्टामिन, सीरोटीन, दोनों एलर्जी में निकलता है, हिस्टामिन भी निकलता है, सीरोटीन भी निकलता है। इसका जवाब ए और बी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा है ना। 47, 49 का जवाब आपका सी हो जाएगा। 49 का जवाब आपका क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। चलिए तो आपको 50 नंबर क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं हम। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन कितना हल्का क्वेश्चन है, सोच के आप बनाते तो आपका बिल्कुल जवाब सही हो जाता है। कहता है कि निम्न में से कौन विषाणु से होने वाला बीमारी नहीं है। कितना है वो समझ गया होगा कि निम्न में से कौन विषाणु से होने वाला बीमारी नहीं है रे। मम्स की, इन्फ्लुएंजा की, डिप्थेरिया की, मिजलिस, ये जितने भी तीन को आप देख रहे हो इस सभी के सभी विषाणु से होने वाले हैं, लेकिन डिप्थेरिया जो है वह विषाणु से नहीं होता है। इसका सही जवाब आपका सी होना चाहिए, डिप्थेरिया आपका सही जवाब होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन पशुपालन से सम्मिलित नहीं है, है नहीं, नहीं है बता देना है। कहता है मधुमक्खी पालन है, बता कुकुट पालन है, मत्स्यकी है, तो बता इसमें कार्बनिक खेती आप जो बच्चे मारे थे उसका जवाब सही होना चाहिए। यानी 51 का डी आंसर आपका सही हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन को आप बनिया से जरा देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथा निम्नलिखित में किस संबंध में माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। कथा निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, इसमें आपका आंसर होगा स्टेपेन हेल्स। स्टेपेन हेल्स
यानी सी जो बच्चे किए हैं उसका जवाब बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। कहता है एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है छोटू, एमआरएनए में, टीआरएनए में कि आरआरएनए में कि इनमें से कोई नहीं, तो एंटीकोडॉन आपका बी नंबर करेक्ट जवाब होगा, यानी इसमें टीआरएनए में पाया जाता है। एंटीकोडॉन्स आर फाउंड इन टीआरएनए, यानी बताओ एंटीकोडॉन जो होता है वह कौन आरएनए में पाया जाएगा दोस्त, तो टीआरएनए में ही पाया जाता है। 53 का सही जवाब आपका हो जाएगा टीआरएनए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है 54 जी। 54 को आप बढ़िया से देखिए और देखिए क्या रहा है इसमें कि मेंडल ने प्रतिपादित किया था, कोची प्रतिपादित किया था, यानी अनुवांशिकता का नियम, अनुवांशिकता का नियम इसमें सही आंसर हो जाएगा बी। जो बच्चे बी किए थे उसका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। अनुवांशिकता का नियम किसने प्रतिपादित किया था, मेंडल ने। चलिए नेक्स्ट अब देखो 55 नंबर क्वेश्चन भी आप सही कर पाओगे आसानी से, है ना। कहता है कि पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं, जहां पे आप लोग युग्मक के सूत्र पढ़े होंगे वहां पे हम लिखवाए थे कि इसे मेंडल के पृथक्ता का नियम भी कहा जाता है। तो बताओ आप यहाँ पे युग्मक के सूत्र का नियम उसका करेक्ट जवाब था, जो बच्चे सी किए थे उसका जवाब बिल्कुल करेक्ट था, है ना। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर 56 को लगले देख ही लेते हैं। यहाँ पे कहता है नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, यानी प्रतियोगिता की उत्परिवर्तन की विलगन की निरंतर विविधता, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा विलगन। क्या हो जाएगा, विलगन हो जाएगा दोस्त, इसका सही जवाब सी होगा, जो बच्चे सी किए थे उसका जवाब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा 57 आपके स्क्रीन पे है, 57 को जरा देखेंगे। 57 क्या कहता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है एक्सोन्यूक्लिएज, इंडोन्यूक्लिएज की लाइगेज की पॉलीमरेज, ये तो आवसंधार आप बना सकते, यह है इंडोन्यूक्लिएज। बताओ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, रे इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है। अब बताइए, अब कहता 58 नंबर को जरा देखो, कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान सुरक्षा प्रदान की जाती है फ्लोरा के लिए, फाउना के लिए, कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, कि ए और बी दोनों के लिए, इसका जवाब आपका सी हो जाएगा, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। कौन तंत्र के लिए करेंगे रे, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। जो बच्चा 58 का जवाब सी किया था उसका बिल्कुल करेक्ट है ना। चलिए चलते हैं 59 नंबर की ओर। 59 नंबर क्या कहता है जरा समझेंगे। 59 कहता है द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है, उत्पादक से, शाकाहारी से, मांसाहारी से, किन में से सभी, यानी बताओ द्वितीयक उत्पादकता जो है वह शाकाहारी से संबंधित होता है। कौन हारी से संबंधित होगा रे, शाकाहारी से। 60 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे, कह रहा है कि पास्टुराइजेशन में गर्म करते हैं किसी भी तरल को 70% सेल्सियस पर रखकर, यानी बताओ जो बच्चे सी किए थे उसका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। 61 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन जरा बढ़िया से देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा सुनो। कहता है पराग भित्ति होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय की बहुस्तरीय। पराग कण आपको पढ़ाए थे कि द वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन्स, यानी पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, पराग कण जो होते हैं वह कितने लेयर से घिरे होते हैं जी, तो डबल लेयर, यानी द्वि स्तर से घिरे होते हैं। पराग कण कितने लेयर से घिरे होंगे, दो स्तर से घिरे होते हैं दोस्त, है ना। अब बताओ 62 नंबर क्वेश्चन को जरा आप देख लीजिए। कहता है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, बताओ कोची में, अस्थि मज्जा में, कहाँ पे उत्पन्न होगा, अस्थि मज्जा में। जो बच्चे ए जवाब किए थे उसका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, जो बच्चे ए किए थे उसका जवाब बिल्कुल सही है, यानी 63 की ओर चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 63 को आप बढ़िया से देखेंगे। 63 क्या कह रहा है कि इको आर1 एंजाइम का स्रोत है इकोलाई, यानी जो बच्चा इकोलाई किया उसका जवाब बिल्कुल करेक्ट। एकेडीना है योजक करी, ये सब क्वेश्चन देखते ही आपका जवाब आ जाना चाहिए था योजक करी, है ना। अब बताओ चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 65 क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पे। कहता है 65 जरा सुनेंगे, कह रहा है कि डोडो है, डोडो विलुप्त प्राणी, संकट ग्रस्त प्राणी, आपत्ति ग्रस्त प्राणी, इनमें से कोई नहीं, तो आपका डोडो जो है वह विलुप्त प्राणी है।
जो बच्चे विलुप्त प्राणी किए थे, विलुप्त प्राणी किए थे, उसका जवाब बिल्कुल सही है। कुंदन कुमार जी क्या पूछ रहे हैं, ट्वेल्थ का कब होगा? ट्वेल्थ का तो पढ़ा रहे गधा। 66 नंबर जरा देखो, कहता है निम्न में से कौन द्विगुणी संरचना कितने बार क्वेश्चन रिपीट किया है मॉडल सेट में रहे, कितने बार रिपीट किया है इसको बार बार आप समझाए थे हम कि बउआ क्वेश्चन पेपर आप बनाएंगे और एक क्वेश्चन आ भी गया, यानी निम्न में से कौन द्विगुणी संरचना होगा तो आपका इसमें युग्मनज होगा। क्या होगा? युग्मनज। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत हल्का कहता है। 67 नंबर क्वेश्चन जरा बढ़िया से देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है, सिंघाड़ा, नागफनी, की शीशम की एकेसिया। इसमें आपका सिंघाड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे सिंघाड़ा मारे थे उसका जवाब बिल्कुल सही है, सिंघाड़ा मारिएगा सही जवाब होगा। यानी बताओ 68 जरा देख लो, बहुत अच्छा। लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं, है ना। बताओ साइटोली कोशिका पाई जाती है वृषण में, कहाँ पाया जाता है? अरे वृषण में। ये सब क्वेश्चन कितने बार हम आपको पढ़ाए रे, साइटोली कोशिका किस में पाया जाता है? वृषण में पाया जाता है। चलिए तो 69 की ओर चलते हैं। 69 आपका बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत हल्का। इसको देखते ही आपका सही जवाब हो जाना चाहिए था मेरे दोस्त। यानी कह रहा है कि मनुष्य या देखो पुरुष फरियाद या मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, बता 44+XX महिला में होता है, 40+XX भी XY भी नहीं होगा, 40+XX भी नहीं होगा, यानी जब भी होगा तो 44+XY होता है। और यह क्वेश्चन हम मॉडल सेट में आपको करवाए थे और बोले थे कि बउआ रे क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, और आपका एक क्वेश्चन आ भी गया, यानी 69 का सही जवाब भी होगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यानी कहा जाए कि गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। तो हम लोग आज आंसर को पूरा किए, है ना। आशा करते होंगे कि आप लोग का भी सही जवाब हुआ होगा, यहाँ तक में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अच्छा से 35 में 35 कितने बच्चे सही भी किए होंगे, आशा करते हैं कि आपका इसी तरह कल भी आपका हिंदी का एग्जाम इसी तरह जाए जिस तरह आज बायो का गया होगा। और आप बढ़िया से एग्जाम देने के बाद एक बार फिर से हमसे मिलिए, आपको फिर से गाइडलाइन किया जाएगा कि आगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस सब पर चर्चा हम लोग क्लासरूम में करेंगे, है ना। तो इसलिए कल आप बढ़िया से एग्जाम दीजिए, तैयारी कीजिए, और आज ही की तरह कल भी क्वेश्चन आएगा, जबरदस्त क्वेश्चन आता है, इसमें किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। आशा करते हैं कि बायोलॉजी में आपका रिजल्ट बिल्कुल बेटर हो, है ना। काफी बच्चे संतुष्ट थे आज एग्जाम देने के बाद, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यानी 100% अगर क्वेश्चन कहा जाए तो आपके क्लासरूम के नोट्स से थे, और जो बच्चे क्लासरूम के नोट्स पढ़े होंगे उनका बिल्कुल जवाब सही होना चाहिए, है ना। और जो मॉडल सेट भी बनाए होंगे हमारे साथ उसका भी जवाब बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, है ना। तो चलते हैं, कल के लिए आपका बेस्ट ऑफ लक, और बढ़िया से आपका एग्जाम पड़ जाए कल, और उसके बाद एग्जाम देने के बाद फिर आप कोचिंग में आकर मिलिए, और आराम से फिर आपको आगे का गाइडलाइन दिया जाएगा या नोटिफिकेशन फिर आपको दिया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी चैनल पे समय अनुसार। थैंक्स।